एक महीने से लापता बाघिन आखिरकार राजाजी पार्क की पश्चिमी सीमा पर घूमती मिल गई। वह एक कैमरे में ट्रैप हुई है। इसके बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली। विभाग बीते 10 दिनों से 4 टीमों के साथ बाघिन की खोज में जुटे थे। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने बताया कि बाघिन के लापता होने के कारण कॉलर की बैटरी थी, जो कि लगभग 6 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसे वन विभाग ने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि बैटरी निकालने के लिए भी बाघिन को टेक्नोलाइज करना पड़ता है। हालांकि जहां पर बाघिन कैमरे में ट्रैप हुई, वहां पर उसने अपना घर बना लिया है। इस इलाके में जल्द ही नए बाघ लाए जाएंगे और उनके शुरुआत में ही कॉलर लगा दिए जाएंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गायब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जंगल में कोई भी वन्य प्राणी रहता है तो हर दिन या हर समय उसकी उपस्थिति अंकित करना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि ये बाघिन कॉर्बेट से लाई गई है और साथ में एक बाघ भी लाया गया है, तो इसलिए इन दोनों पे विशेष निगरानी रखी जा रही थी और उनकी टीम्स इसके लिए बनाई गई हैं जो इनकी निगरानी रख रही थी। पिछले कुछ समय से बाघिन की लोकेशन हमें जहाँ पर वो आमतौर पे जिस इलाके में वो विचरण कर रही थी।